नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। लेकर हाजिर हैं हम इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। फाइजर ने किया ऐलान। दवा बनाने वाली अमेरिकी बहुअंतर्राष्ट्रीय कंपनी फाइजर ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने टीके को बिना लाभ वाले मूल्य पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। कंपनी ने कहा कि वो देश में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। कंपनी ने ये भी कहा कि महामारी के दौरान वो फाइजर बायोनेट कोविड-19 mRNA टीका केवल सरकारी अनुबंधों के जरिए ही आपूर्ति करेगी। कोरोना की वजह से चुनाव प्रचार पर ईसी ने लगाई पाबंदियां। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। बैन लगाने के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कई राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 रोधी नियमों के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग से नाराजगी जाहिर की थी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुल 8 चरणों में कराए जा रहे हैं। कुल 6 चरणों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब केवल 2 चरणों के लिए मतदान बचे हैं। इनमें 7वें चरण के लिए 26 अप्रैल और आखिरी और 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होंगे। टीकाकरण अभियान चलाकर भारत ने बनाया रिकॉर्ड। कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान में भारत दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। टीकाकरण में आई ये तेजी इस देश को न सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है, बल्कि वैश्विक पटल पर इस वायरस के प्रति चल रही लड़ाई को और भी मजबूत दे रही है। भारत में अब तक कुल 13,23,30,664 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। 21 अप्रैल को देश भर में 22,00,000 से अधिक लोगों को ये टीका लगाया गया। इनमें से 14,35,858 लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई गई, जबकि 6,85,184 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना। उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार आगामी 3 दिन राज्य में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। जारी शासनादेश के अनुसार 23 से 25 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तर बंद होंगे और वहां और उनके आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम भी करवाया जाएगा। वहीं इस दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। कोविड से सीताराम येचुरी की बेटी की मौत। CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। आशीष कोविड से संक्रमित थे, इसकी जानकारी सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर दी। अपने ट्वीट में येचुरी ने डॉक्टरों, नर्सों, फ्रंटलाइन के स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को शुक्रिया कहा, जिन्होंने बेटे की सेहत को ठीक करने में मदद की। येचुरी ने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, मुझे पता है कि इस दुख को केवल मैं नहीं झेल रहा, इस महामारी ने बेहिसाब लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। कोरोना वायरस महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप के कारण कई राज्यों ने शेड्यूल से पहले गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इन सभी राज्यों में रोजाना कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाएं पहले ही कैंसिल या पोस्टपोन कर चुका है। शिक्षा निदेशालय ने बिगड़ती कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर समर वेकेशन एडवांस में कर दिया था। 11 मई से 3 जून तक होने वाली छुट्टियों को अब 20 अप्रैल से 9 जून तक कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार 21 अप्रैल 2021 को साफ कर दिया कि 9 जून तक प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन क्लास बंद रहेंगी। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का हाल बेहाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरोज राठी, शांति मुकुंद, तीर्थ राम अस्पताल, यूके अस्पताल, जीवन अस्पताल का कहना है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, हम जैसे तैसे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ा दिया है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे दिल्ली का उत्तर प्रदेश और हरियाणा से झगड़ा है। ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। अभी दिल्ली के कई अस्पताल गंभीर ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं, कुछ में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम किसी तरह से उन्हें दूसरे अस्पतालों से रिक्रिएट करके सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं, जिनका स्टॉक थोड़ा ज़्यादा है। पाकिस्तान में विद्रोहियों ने होटल उड़ाया।
पाकिस्तान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से गुस्साए विद्रोही लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को क्वेटा में विद्रोहियों ने चीन के राजदूत को निशाना बनाया और एक होटल को विस्फोट से उड़ा दिया। विद्रोहियों को सूचना मिली थी कि चीनी राजदूत क्वेटा के सेरेना होटल में ठहरे हैं, हालांकि हमले के समय वे इस होटल में मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि इस धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी आयोग ने की भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश। अमेरिका की संसद द्वारा गठित अर्ध न्यायिक निकाय अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने बाइडेन प्रशासन से भारत समेत 4 देशों को विशेष चिंता वाले देश में घोषित करने की सिफारिश की है। आयोग का आरोप है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2020 में भी नकारात्मक रही। आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय से 10 देशों को फिर से विशेष चिंता वाले देश घोषित करने की मांग की है। इन देशों में म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। आयोग ने भारत के अलावा रूस, सीरिया और वियतनाम को भी विशेष चिंता वाले देश घोषित करने की सिफारिश की है। लॉकडाउन फरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के विस्फोट में स्वास्थ्य सुविधाओं की विफलता को देखते हुए प्रदेश के 5 सर्वाधिक प्रभावित शहरों प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुझाए घरेलू नुस्खे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन देश भर में ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसी विकट स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस लेने में जिन मरीजों को तकलीफ हो रही है उनके लिए प्रोनिंग के कुछ आसान तरीके सुझाए हैं। प्रोनिंग प्रक्रिया से कोरोना के मरीजों को अपना ऑक्सीजन लेवल सुधारने में काफी मदद मिल सकती है। अपने आखिरी दिन CGI बोबड़े ने की कड़ी टिप्पणी। देश में कोरोना संकट पर स्वतः संज्ञान लेने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बतौर CGI अपने आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SA बोबड़े ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। फिलहाल मामले को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संकट पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने की। बिहार में कोरोना अटैक। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश की राजधानी पटना स्थित एम्स सहित 6 प्रमुख अस्पतालों के 750 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रमणि सिंह ने कहा कि कोरोना की इस दूसरी लहर में उनके अस्पताल में अब तक 384 डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और वर्तमान में 220 डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी संक्रमित है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 125 डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी कोरोना की इस दूसरी लहर में अब तक संक्रमित हो चुके हैं। केजरीवाल ने की PM सम्मान। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ PM मोदी की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। केंद्र सरकार का दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया और साथ ही कहा कि इस बढ़े हुए कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें, देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुक्रवार को PM मोदी की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अब सेना सभी ऑक्सीजन प्लांट्स अपनी जिम्मेदारी में ले ले। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। देश और दुनिया की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए खबरें चौक को अभी सब्सक्राइब करें।